अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल फूड कॉर्नर बहाज में आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क शेक। गर्मी आपको पता कितनी ज़्यादा होगी, तो बच्चों को आप ये बना के दें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों की ये चॉकलेट वैसे भी फेवरेट डिश होती है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक चम्मच शहद और क्रश की हुई चॉकलेट, मेल्ट की हुई थोड़ी सी चॉकलेट, चीनी, वनीला एसिड और कुछ केले। अब इन सारी चीज़ों से आपने जो है ना बना देना है मिल्क शेक। आपने 2 कप जो है ना दूध इसमें डाल देना है और 1 चम्मच शहद। इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट जो है मैंने गर्म पानी आपने करके इसमें जो है ना एक प्याली रखनी, फिर उसमें चॉकलेट ढक देनी है, तो चॉकलेट खुद ब खुद पिघलने लग जाती है, प्याली के अंदर चॉकलेट पिघल जाएगी। गर्म पानी के बॉल में आपने प्याली रख कर उसमें चॉकलेट रखनी है। 1 चम्मच आपने वनीला एसिड डाल दिया जो केक में अक्सर डलता है। अब कुछ केले मैं डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं। वैसे तो तकरीबन जो है 12 केले मैंने डाले पूरी जग में। और ये 1/2 कप यह जो है ना शुगर डाल दिए। शुगर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा शुगर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल दें। इसमें अब बर्फ़ के कुछ क्यूब भी ऐड कर लें। अच्छे से आपने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर देना है। देखें कितनी ज़बरदस्त ब्लेंड हो रही है, बहुत ज़बरदस्त ये मिल्क शेक है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों को पिलाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो बच्चे बहुत ज़्यादा, आपको पता है, घर में बैठ बैठ के जो है इन दिनों में थोड़े से तंग हो गए हैं। बाहर तो हम निकल नहीं सकते गर्मी की वजह से। अब देखें, मैंने चॉकलेट को जो है गिलासों के साइड डेकोरेशन के लिए मैंने हल्का हल्का इसका जो है ना डाल दिया है। आपने भी इसी तरह चॉकलेट को अच्छा सा डाल देना, फिर इसके बाद जूस डालें तो बहुत ज़बरदस्त कलर कितना प्यारा आ गया, देखें अच्छा लग रहा है। जो कश की भी चॉकलेट है हम ऊपर डालेंगे ताकि वो हम जब पीते हैं ना जूस तो अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।